अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। तो आज मैं सुबह सुबह ही हमने ग्रोसरी कर ली, वीकेंड पे मैं आपको दिखाती हूँ, सारी चीज़ें बताती हूँ। अभी ये इट्स नॉट ऑलमोस्ट पूरे, मैं इसको नहीं कहूँगी कि पूरे ग्रोसरी है जितनी चीज़ें चाहिए, बट काफ़ी हद तक कर ली है। एंड मैंने वैसे जब लाइक मैं भी सऊदीया नहीं आई हुई थी, तो मैंने सुना था कि सऊदीया में चीज़ें बहुत लाइक ग्रोसरीज बड़ी रीजनेबल है, बट आई डोंट थिंक सो। मैं जब से आई हूँ आई डोंट थिंक सो दैट्स द केस, बिकॉज अभी मैंने बहुत बेसिक सी चीज़ें ली हुई हैं। इसमें अभी चिकन नहीं शामिल, फ्रूट सब्जी देयर इज नथिंग, बट स्टिल दिस इज़ ऑलमोस्ट 1000 रियाल। तो बेसिकली जो ग्रोसरी में होता है खूब ज़रूर होती है, ये इस दफ़ा ज़्यादा है, ऑलमोस्ट महीने का स्टॉक हो गया। ऑयल होता है एंड देन चीज़। अच्छा, लकीली कभी आपको मिल जाती है मुनासिब भी। वैसे ये चीज़ जो मैं 1 kg का लेती हूँ, इट्स ऑलमोस्ट फॉर लाइक आई थिंक 49 का, बट कभी ऑफ पे आई गॉट इट फॉर जस्ट लाइक 35 आई थिंक। सो आपको इस तरह डील्स भी मिल जाती हैं। चॉकलेट्स होती हैं ये, काफ़ी खाने लगे हैं वैसे हम लोग। देन वी यूज़ दिस की यहाँ की, पहले मैंने कोई लिप्टन वगैरह ली थी, तो उसमें नहीं कहा कि जब आप इधर हैं तो जस्ट ट्राई देयर लोकल। तो वी बीन यूजिंग दिस और बहुत मज़े की है ये। जैसे ये सर्फ पे भी डील मिल जाती है, अदरवाइज इट्स लाइक 5 kg इज़ ऑलमोस्ट फॉर आई थिंक 70 or 80 का, बट आई गॉट इट फॉर 35 एज वेल। केचप पे यहाँ पे टेस्ट डेवलप होने में टाइम लगा मुझे, चिली गार्लिक प्लेन केचप थी हाइंस की, बट देन आई गॉट दिस। हम इधर से लूलू से ही हम ग्रोसरी करते हैं, तो इनकी अपनी थी चिली गार्लिक और ये मुझे अच्छी लगी, इसका टेस्ट भी अच्छा है। एंड देन जैनब के सिरेलैक्स हैं, एक बल्कि मेरे ख्याल से मैंने रख दिया। देन लिज लज़ानिया नूडल्स वगैरह, अभी ये बल्कि लाइक दे आर नॉट कोई बहुत ज़्यादा, देन दिस इज बटर। जैसे शैम्पूज भी हमने आज सच कोई नहीं लेने थे, बस एक दो जैसे ख़त्म हुए होते हैं, ना कोई टिश्यू पेपर्स। तो आई डोंट थिंक सो के कोई ग्रोसरी आपकी, अगर आप उस तरह करें, अक्सर लोग पूछते हैं कि वहाँ पे बड़ा रीजनेबल है ग्रोसरीज वगैरह, तो आई डोंट थिंक सो इट्स लाइक दैट। होगी चीज़ें, प्राइसेस बढ़ गई, मतलब वैट आया है तो वैट से बहुत फ़र्क पड़ा है, वैट इज़ ऑलमोस्ट 17%। तो बाकी फिर ये नूडल्स हैं, मैं ब्रेड नहीं लाती, आई गेट दीज बंस, और ये बहुत मज़े के होते हैं। मैं इसी पे पिज़्ज़ा भी अगर मैंने थोड़ा सा बनाना हो इस पे बना लेती हूँ, गार्लिक ब्रेड वगैरह। फिर ये नाश्ते के लिए ये ले आए थे, ये बड़े अरसे बाद हमें फ्रेश मिले हैं, तो ये कल की ही प्रोडक्शन डेट थी इनकी 2 की, तो ये ले लिए थे। देन ये कैंडी, इनसे मुझे अब्बू याद आते हैं, मेरे बाकी फेवरेट कैंडीज हैं। तो जैसा मैंने ये वाले चावल लिए, मैं वैसे यहाँ से लेती रही हूँ जो मेरे घर के पास ग्रोसरी स्टोर था, बट वो मुझे थोड़ा सा पुराना लगता था, तो उससे मुझे स्मेल आती थी, तो इस दफ़ा मेरा था कि चलो आई विल ट्राई सम डिफरेंट वन। सो ये तो अभी हमारा वीकेंड का स्टार्ट हुआ है, तो आगे आगे भी आप लोगों को बताऊंगी। अभी उस्मान के सूट ड्राई क्लीन के लिए दिए थे, तो हम वो कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जो मंगासिल बोलते हैं लॉन्ड्री वाले, ये ऑलमोस्ट हर जगह पे है, एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेज, ऑलमोस्ट हर अपार्टमेंट बिल्डिंग वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, सबसे ज़्यादा मंगासिल और जो इनके होते हैं बकाला। अब हम जा रहे थे अबाया मॉल, मेरा था कि मैंने अबाया लेना है। अच्छा, ये जो है ये इनकी यहाँ की जो आई थिंक मुझे लगता है सबसे बिजी स्ट्रीट है, किंग फहद रोड, और सारे ऑफिसेस इसी पे हैं। आपको बाकी रियाद में ये बिल्डिंग्स नहीं नज़र आती इस तरह की, बाकी जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं वो 3 floors तक हैं सारी, बट इस रोड पे बिकॉज दे आर ऑल ऑफिसेज, तो यू विल सी ऑल हाई राइज बिल्डिंग्स, और बड़ी प्यारी रोड है वैसे, इन्होंने प्लांटेशन भी बहुत की हुई है, सो बड़ा मज़ा आता है, बट बहुत रश होता है। ये तो हम जुमा के टाइम ऑलमोस्ट निकल गए थे, तो हमें रश नहीं मिला था। तो दिस इज़ द अबाया मॉल, और इधर लाइक सारी अबाया की शॉप्स थी, और मॉल में कोई शॉप नहीं है। तो पहले एक दो शॉप्स पे तो ढूंढ देखे थे, मुझे कोई, मेरा था कि मैंने ब्लैक कलर के ही लेने हैं, मैंने कोई कलर भी दूसरा नहीं लेना, एंड आई वांटेड समथिंग टू ब्लिंगी और वो स्टोन्स वाले। इधर बहुत वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा, तो एक तो मैंने सिंपल लिया थोड़ा सा जो फ्रंट ओपन से बटन डाउन वाला, वो बल्कि जो वहाँ पे सेल्स वुमेन थी उसने उस तरह का पहना हुआ था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। दिस वन एक मैंने ये लिया, ये सिंपल था लाइक एवरीडे वेयर का। एक पर था कि उस्मान का कि एक थोड़ा सा फॉर्मल लाइक ले लें, तो एक ये ले लिया था मैंने, इसमें लाइक सिर्फ एक बीड्स वाली थी, और ये फ्रंट ओपन था, तो उन्होंने उसी वक्त मुझे था कि मुझे 2 एटलीस्ट बटन्स आप कर दें, बटन्स नहीं थे, तो उन्होंने हमें 5 minutes के अंदर अंदर वहीं पे उसने बटन्स लगा दिए। फिर हम वहाँ से निकले, तो हमारा था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, देयर इज़ दिस शॉप एग्जैक्ट वहाँ से, नॉट एग्जैक्ट, इट्स एक्स्ट्रा,
वहाँ से, तो हमारा था हम एक दफ़ा वहाँ पे भी चले जाएँ। अच्छा, यहाँ पे आप नोट कर रहे होंगे काफ़ी अच्छी खासी प्लांटेशन हुई हुई है। ये तो चले पाम ट्रीज़ या वो डेट ट्रीज़ हैं, ये तो हैं ही लाइक डेजर्ट एरिया, बट आपको दूसरे दरख्त भी काफ़ी मिलेंगे। सो दिस वी केम बैक टू, ये मॉल है ग्रेनाडा, ये हमारे घर से भी लाइक नॉट वेरी नियर बट एट रीज़नेबल डिस्टेंस, 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी शॉप्स हैं, तो और इनकी सेल भी लगी हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा रश था। बल्कि जब हम पहुँचे थे उस टाइम पे नहीं था, प्रॉबेबली वो ज़्यादा जुमा के नज़दीक का टाइम था, बट बाय द टाइम वी वर टू गो उस टाइम तक बहुत ज़्यादा रश हो गया हुआ था। फिर मैं था थोड़ा सा मॉल में देख लेती हूँ, एज सच मैं लास्ट वीक वैसे गई थी, तो तब मैं अकेली गई थी, सिर्फ मैं और ज़ैनब, तो मैंने सुकून से सारा देख लिया था, बिकॉज उस्मान ज़्यादा थक जाते हैं, ऑब्वियसली शॉपिंग मैंने करनी होती है। सो मैं लास्ट टाइम आके ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ले गई थी। एक पता नहीं क्या, हम जब भी गए हम बाथ एंड बॉडी वर्क्स पे जरूर, क्यों हर दफ़ा कुछ ना कुछ उठा के ले आते हैं। अच्छा, खाना खाने से पहले हम ये प्ले लैंड उन्होंने ऊपर बनाया हुआ था, फन लैंड, तो ज़ैनब अभी छोटी है, उसने लेने तो नहीं थे, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लगता है हम इन्जॉय करते थे, तो वी जस्ट टुक राउंड सारा, ज़रा देख लें क्या क्या है, ताकि थोड़ी सी आई थिंक 1 ईयर की हो जाए, थोड़ा सा सही बैठने लग जाए, तो फिर इंशाल्लाह ताला आएंगे। बल्कि हमारा बहुत दिल था कि उसको बिठा के हम ले लें, बिकॉज़ एक इन्होंने बड़ी अच्छी बीच में, नॉट दैट काइंड ऑफ अ रोलर कोस्टर, बट एक अच्छी मज़े की इन्होंने बनाई हुई है, लंबी है बीच में, ऑलमोस्ट जितना ये है उसकी और लेंथ जाती है। अब मुझे ये कैरोसेल बड़ा पसंद है, तो मेरा भी यही था चलो ज़ैनब थोड़ी सी बड़ी हुए तो इंशाल्लाह ताला उसके साथ लूँगी। फिर जिस दिन मॉल आओ उस दिन अब आपका तो बिल्कुल नहीं हिम्मत होती कि घर जाके कुछ बनाना है, तो फिर नैंडोज़ है वहाँ पे, तो हमारा यही था कि हम नैंडोज़ खा लेंगे। अच्छा, मुझे पाकिस्तान में भी बहुत पसंद था और मुझे यहाँ पे भी इसका टेस्ट लाइक बहुत अच्छा लगा है, बिल्कुल आई थिंक आई फाउंड इट वेरी सिमिलर टू जैसा पाकिस्तान का टेस्ट, आई वुडंट से कि कोई ज़्यादा डिफरेंस था। और फिर उसके बाद हम वहाँ से निकले हैं एंड देन हमारा था कि कॉफ़ी पी लेते हैं, उस दिन फिर हम घर आ गए। फिर नेक्स्ट डे हम दोबारा लाइक पूरा वीक ये था कि हम लोग ऑलमोस्ट रोज़ निकलते रहे हैं, वी वेंट आउट ऑन थर्सडे नाइट भी, देन लास्ट डे ये जो मैंने आपको सारा दिखाया ये फ्राइडे का था, और अब हो गई है सैटरडे, तो हमारे क्योंकि फ्राइडे सैटरडे है मिडिल ईस्ट, जो बाकी यूएई है उस साइड के वीकेंड चेंज हो गए, हमारे अभी तक नहीं हुए। सो उस दिन पहले वी केम टू के उस्मान का ऑफिस है, तो उस्मान गए थे, इन्होंने अपने ऑफिस के एक दो चीज़ें ली थी, तो ही वाज लाइक कि मैं ज़रा ड्रॉप कर दूँ, तो इन्होंने वहाँ पे ड्रॉप करने, तो मैं और ज़ैनब गाड़ी में वेट करते रहे। ये दोबारा ये बिल्कुल जो कल वो जो स्ट्रीट थी इसी पे उस्मान का भी ऑफिस है, दिस इज़ मेन किंग फहद रोड, और ये सामने इनका किंगडम टावर है, मैंने ये भी विज़िट करना है। और इसके बाद अब आई गेस एक दो जगह पे और रुके थे एंड देन वी वर डन। और अच्छा, रियाद में अच्छी खासी ट्रैफिक है, उस्मान लाहौर में बता करते थे बहुत रश है, बट यहाँ पे लाइक फुल पैक्ड होता है जो पीक आवर्स और वीकेंड्स हों, एज़ यू कैन सी एज़ वेल। एंड देन वी जस्ट गॉट बैक होम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।